लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। राजनीति विज्ञान के राजनीतिक चिंतन के संदर्भ में हमारा आज का क्लास अरस्तु के राजनीतिक चिंतन पर आधारित है। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का अरस्तु को राजनीति विज्ञान का अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है और अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता मैक्सी ने कहा। अरस्तु का राजनीतिक चिंतन राजनीति विज्ञान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु के द्वारा किया गया, परंतु राजनीति विज्ञान का नामकरण विलियम गॉडविन के द्वारा किया गया है। अरस्तु राजनीति विज्ञान का पिता है। 384 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ और यह अलेक्जेंडर सिकंदर का अध्यापक भी रहा। यह प्लेटो का शिष्य था। प्लेटो की एकेडमी में जितने भी विद्यार्थी पढ़ रहे थे उन सारे विद्यार्थियों में यह सबसे तेज था और इसका मानना है कि प्लेटो अपने बाद इस एकेडमी का प्रबंधक हमें ही बनाएगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं और प्लेटो ने अपने भतीजे को अपनी द अकेडमी का अध्यक्ष बना दिया। इस बात से अरस्तु का मन अत्यंत क्षुब्ध हुआ था। अरस्तु के द्वारा राजनीति विज्ञान को सर्वोत्तम विज्ञान के नाम से भी संबोधित किया गया। अरस्तु राजनीति विज्ञान का ही नहीं बल्कि इसको जीव विज्ञान का भी पिता कहा जाता है। अरस्तु के द्वारा पॉलिटिक्स तथा एथेंस का संविधान नामक दो महत्वपूर्ण पुस्तकों का लेखन किया गया। अरस्तु ने पॉलिटिक्स और एथेंस का संविधान नामक दो पुस्तकों का लेखन किया। आप देखिए, आपको यहाँ पर इस बात को समझना है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण प्लेटो राजनीति विज्ञान का आरंभ करता है लेकिन वह राजनीति विज्ञान का पिता नहीं है। राजनीति विज्ञान का पिता है कौन? अरस्तु। और अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता किसने कहा? मैक्सी। पॉलिटिक्स और एथेंस का संविधान किसकी पुस्तक का नाम है? अरस्तु। जीव विज्ञान का पिता, राजनीति विज्ञान का पिता, दोनों एक साथ कौन है? अरस्तु। राजनीति विज्ञान को सर्वोत्तम विज्ञान किसने कहा? अरस्तु। अब आपको यहाँ पर यह देखना है कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का आखिर पिता क्यों कहा जाता है। पहला इसका पॉइंट यह है कि इसने राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र
विषय का दर्जा दिया और नीति शास्त्र से नीति शास्त्र से इसको पृथक कर दिया। इस पर दो सवाल पूछा जाता है, ये राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र से किसने अलग किया और राजनीति विज्ञान को नैतिकता से किसने अलग किया। राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र से अलग करने का श्रेय अरस्तु को है, जबकि राजनीति को नैतिकता या धर्म से पृथक करने का श्रेय मैकियावेली को जाता है, जो कि इटली के विचारक हैं और आधुनिक राजनीति विज्ञान के पिता भी हैं। आप पहली बात ये थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अरस्तु के द्वारा आपने अध्ययन में आगमनात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग करता है, जबकि अरस्तु से पहले प्लेटो के द्वारा अपने अध्ययन में निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया था, जिसको काल्पनिक पद्धति कहते हैं, जबकि आगमनात्मक पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है, क्योंकि यह ऐसी पद्धति है जो विशेष से सामान्य की तरफ चलती है। विशेष का अर्थ यहाँ पर प्रयोग होता है और सामान्य का अर्थ यहाँ पर निष्कर्ष होता है। इसी के आधार पर प्लेटो के द्वारा ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति तुलनात्मक पद्धति ऐतिहासिक पद्धति और प्रयोगात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए 158 या अधिक नगर राज्य के संविधान का अध्ययन किया और अध्ययन करने के पश्चात इनके द्वारा निष्कर्ष निकाला गया कि कानून का शासन सर्वोत्तम है और शासन सत्ता मध्यम वर्ग के हाथ में हो, यही उत्तम होगा। अरस्तु के मध्यम वर्ग के शासन के सिद्धांत को मीन का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इन कारणों के परिणाम स्वरूप मैक्सी के द्वारा कहा गया कि अरस्तु राजनीति विज्ञान का पिता है। इसके अलावा भी अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता इसलिए भी कहते हैं क्योंकि अरस्तु के द्वारा ही सर्वप्रथम सरकार का वर्गीकरण किया गया। राजनीति विज्ञान में अरस्तु से पूर्व सरकार का स्पष्ट वर्णन नहीं प्राप्त होता है। इसका स्पष्ट वर्णन पहली बार किया है किसने? अरस्तु ने। इसीलिए कहा जाता है कि अरस्तु राजनीति विज्ञान का पिता है। इसके अलावा भी इसने न्याय सिद्धांत का आनुपातिक मॉडल दिया, आनुपातिक सिद्धांत दिया, जिसको वितरणात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। इसलिए भी अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा गया। तो राजनीति विज्ञान में इस प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो एक बात तय हो जाती है कि राजनीति विज्ञान में अरस्तु को सर्वोत्तम स्थान प्राप्त है। जिन राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन अरस्तु के द्वारा यूनान में किया गया, कमोबेश बाद के राजनीतिक चिंतकों ने
अपने राजनीतिक दर्शन के प्रतिपादन में इसको अपनाया है। आइए अब हम लोग यहाँ पर इस बात को समझने का प्रयास करें कि अरस्तु के द्वारा किन महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया गया है। अरस्तु के द्वारा जिन महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया गया उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहला ही इनका विचार है, जिसको कहते हैं अरस्तु का राज्य संबंधी विचार। अरस्तु का राज्य संबंधी विचार, यहाँ पर सबसे पहले आपको यह समझना है कि अरस्तु के द्वारा राज शब्द का प्रयोग न करके अरस्तु ने नगर राज या सिटी स्टेट शब्द का प्रयोग किया है और इस नगर राज को यूनान में पोलिस कहा जाता था। यह स्वतंत्र था, छोटा था और इसीलिए उनको सिटी स्टेट या नगर राज कहते थे। जबकि राज शब्द का प्रयोग, आपको याद रखना है कि राज शब्द का प्रयोग मैकियावली के द्वारा किया गया। चाहे आपको यह है कि राज शब्द का प्रयोग किसने किया तब भी मैकियावली, या आधुनिक अर्थ में राज शब्द का प्रयोग किसने किया तब भी आपको मैकियावली ही लगाना है, तो सिटी स्टेट शब्द का इनके द्वारा प्रयोग किया गया। अब देखिए, हम लोगों को यहाँ पर यह समझना है कि आखिर राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है और राज्य को उत्पत्ति के साथ साथ राज्य की परिभाषा अरस्तु के द्वारा किस प्रकार से दिया गया, और दूसरा राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है, इस बात को बतलाने के लिए अरस्तु के द्वारा सर्वप्रथम मानव के स्वभाव की बात की गई और इसने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक या राजनीतिक प्राणी है। अरस्तु ने कहा कि मनुष्य अपने आवश्यकताओं के कारण समाज की सदस्यता को ग्रहण करता है और समाज के साथ वह रहता है। धीरे धीरे उसका क्रमशः विकास होता जाता है। इसलिए इनका प्रसिद्ध कथन है कि कोई भी व्यक्ति यदि समाज से बाहर रहकर जीवित रह सकता है और समाज के सहयोग के बगैर यदि अपनी आवश्यकताओं की वह पूर्ति कर सकता है तो वह मनुष्य ना होकर पशु या देवता होगा। इस बात को अरस्तु के द्वारा बतलाया गया। इनके द्वारा कहा गया कि परिवार राज्य के इकाई है और परिवार का निर्माण होता है पुरुष स्त्री के मध्य विवाह से संतान आता है और संतान की सेवा के लिए दास होता है। अरस्तु ने कहा कि परिवार में राज्य की समस्त मूलभूत
विशेषता पाई जाती है। जैसे आज्ञा पालन की भावना परिवार में पाया जाता है, इसलिए परिवार आया और जब परिवार बढ़ा तो इससे ग्राम बनता है और ग्राम के उपरांत यह नगर राज्य में परिवर्तित हो गया। इसलिए अरस्तु की एक महत्वपूर्ण परिभाषा है कि राज परिवार का विस्तार है। राज्य परिवार का विस्तार है, जबकि इसी से मिलती जुलती एक अन्य परिभाषा है कि परिवार राज्य का आधार होता है। परिवार राज्य का आधार है यह कथन है इंग्लैंड के विचारक हर्बर्ट स्पेंसर का। अरस्तु का कहना है कि राज्य परिवार का विस्तार है, और इसके अलावा भी अरस्तु के द्वारा कहा गया कि राज परिवारों एवं ग्रामों का एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य लोगों को आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। आपको देखिए, यहाँ पर अरस्तु के द्वारा राज्य के लिए दी गई दोनों परिभाषाएं आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि राज्य परिवार का विस्तार है किसने कहा। दूसरा आता है कि राज्य परिवारों एवं ग्रामों का एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य लोगों को आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है, यह मत किसका है, तो भी आपको क्या लगाना है। अरस्तु और राज्य की इकाई परिवार को किसने बतलाया, अरस्तु ने। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक और बात समझ लेना है कि अरस्तु ने राज्य में किन लोगों को सम्मिलित किया। पति पत्नी संतान और दास को, पति पत्नी संतान और दास को इसने सम्मिलित किया। राजनीति शब्द का पहली बार प्रयोग किया, परंतु राजनीति विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम गॉडविन के द्वारा किया गया है। आप देखिए, अरस्तु ने राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में सर्वप्रथम पितृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आपको आएगा कि पितृसत्तात्मक सिद्धांत का पहली बार प्रतिपादन किसने किया है, अरस्तु ने। जबकि आधुनिक काल में पितृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन सर हेनरी मेन के द्वारा किया गया। इनकी पुस्तक का नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन नामक पुस्तक के अंतर्गत सर हेनरी मेन ने इसी सिद्धांत का समर्थन किया। और इस बात को बतलाते हुए अरस्तु ने राज्य की उत्पत्ति को आगे और बढ़ाया, और इनके द्वारा राज्य के संदर्भ में एक बात कहा गया कि राज्य एक प्राकृतिक या
स्वाभाविक संगठन है। राज्य एक प्राकृतिक या स्वाभाविक संगठन है, जिसका अर्थ है कि राज्य कोई कृत्रिम वस्तु नहीं है, बल्कि राज्य अपने आप स्वतः जिस प्रकार से प्रकृति के अन्य चीज़ों का विकास अपने आप होता है, उसी प्रकार से राज्य भी स्वाभाविक रूप में विकसित हुआ। परिवार आया, ग्राम आया और अंततः कौन आ गया, राज्य आ गया। परंतु अपने इस कथन के साथ साथ अरस्तु का एक अन्य कथन भी राज्य के संदर्भ में है, और वह बात हमारी परीक्षा के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और इसने कहा कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी संगठन है। राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी संगठन है या राज्य व्यक्ति से पहले का संगठन है। राज्य पहले आता है, व्यक्ति बाद में आता है। तो क्रमशः अगर हम लोग यहाँ पर इस बात को देखते हैं तो आपको लग रहा होगा कि एक तरफ कह रहा है कि राज्य एक स्वाभाविक संगठन है, और दूसरी तरफ यह कह रहा है कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी संगठन है। अरस्तु ने इस अंतर्द्वंद को स्पष्ट किया, और अंतर्द्वंद को स्पष्ट करते हुए अरस्तु के द्वारा बतलाया गया कि ऐतिहासिक रूप में कालक्रम के अनुसार राज्य बाद में आता है, परंतु यदि तर्क की दृष्टि से देखा जाए तो यह पहले आता है। तर्क की दृष्टि से इसलिए क्योंकि अरस्तु ने कहा कि सबसे पहले सर्वप्रथम पूर्ण आता है, उसके बाद उसका अंश। पहले पिता आया, उसके बाद उसकी संतान। इनके द्वारा कहा गया पहले वृक्ष आता है, उसके बाद उसका बीज आता है। तो आपने इस तार्किकता के माध्यम से अरस्तु के द्वारा राज्य की सर्वोच्चता का प्रतिपादन किया गया, और इस राज्य की सर्वोच्चता का यहाँ पर यह भी तात्पर्य है कि अरस्तु आदर्शवादी विचारधारा का समर्थक है, और आदर्शवाद के पिता का नाम क्या है, प्लेटो। आदर्शवादी विचारधारा का समर्थक है, इसलिए यह राज्य को साध्य और सर्वोच्च मानता है। इसलिए तार्किकता के द्वारा इसने इस बात को सिद्ध कर दिया कि राज्य ऐतिहासिक कालक्रमानुसार भले ही बाद में आया हो, लेकिन तार्किक रूप में राज्य पहले आता है। इस कथन का केवल और केवल एकमात्र उद्देश्य है, और वह उद्देश्य है राज्य की सर्वोच्चता की प्रतिस्थापना करना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप देखिए, जब इन बातों को अरस्तु के द्वारा बतला दिया गया कि राज्य स्वाभाविक संगठन है, राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी संगठन है, तो कहा गया कि राज्य एक परिपूर्ण संगठन भी है। राज्य एक परिपूर्ण संगठन भी है। राज्य एक परिपूर्ण संगठन भी है, माने यहाँ पर यह है कि अगर परिवार है तो उसमें अधूरा तत्व है, ग्राम में भी अधूरा तत्व है, क्योंकि समस्त आवश्यकताएं व्यक्ति के नैतिक और भौतिक समस्त आवश्यकताओं को पूर्ण करने में केवल राज्य ही समर्थ है। इसलिए राज्य को यहाँ पर उसने परिपूर्ण संगठन बतलाया। देखिए, अब इसके बाद आपको अरस्तु के राज संबंधी विचार में एक अन्य बात और भी समझना है कि अरस्तु के द्वारा राज्य की प्रकृति का निर्धारण, अरस्तु के द्वारा राज्य की प्रकृति का निर्धारण किस प्रकार से किया गया। इसने राज्य की
प्रकृति का निर्धारण किस प्रकार से किया? नेचर ऑफ स्टेट की बात इसने किस प्रकार से की? आदर्शवादी विचारधारा के ही अनुरूप आदर्शवाद के अनुरूप इसने राज्य की प्रकृति को सावैविक या आंगिक बतलाया है। और अरस्तु सावैविक या आंगिक सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक भी माना जाता है। इसका प्रसिद्ध कथन है कि राज एक जीवधारी संगठन है। इसने क्या बतलाया? कहा कि राज एक जीवधारी संगठन है। देखिए, आपको समझने की बात है कि अरस्तु आदर्शवादी विचारधारा का समर्थक है। आदर्शवादी विचारधारा का एक करैक्टर है कि वह राज्य को सदैव आंगिक या सावयविक रूप में देखता है, जिसका अर्थ होता है कि राज्य एक शरीर के समान है और व्यक्ति उस राज रूपी शरीर का केवल अंग मात्र है। इसलिए शरीर अंग की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर की रक्षा है तो अंग को उसके ऊपर कुर्बान कर देना, बलिदान कर देना, यह तर्कसंगत है। इसी मान्यता के अनुरूप अरस्तु के द्वारा राज की प्रकृति को आंगिक या सावैविक माना गया। इसमें इसका दृष्टिकोण जीव वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाता है। यद्यपि इस पर आपको सवाल आएगा कि राज की प्रकृति के सावैविक सिद्धांत का पहली बार प्रतिपादन किसने किया था, सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था, तो प्लेटो होगा। लेकिन सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादन किसने किया था, अगर आपको यह पूछा गया तो इसका उत्तर क्या होगा? अरस्तु होगा। अरस्तु ने इसीलिए इस बात को कहा कि राज एक जीवधारी संगठन है। यह जीव के समान होता है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति अपने क्रियाकलाप को करता है, राज के द्वारा भी अपने समस्त चिंतन के अंतर्गत अरस्तु ने इस बात को बल दिया कि राज के द्वारा भी मानव शरीर के समान अपनी क्रियाकलाप की जाती है। इसी से मिलता जुलता एक अन्य स्टेटमेंट आता है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, और उसमें हर्बर्ट स्पेंसर का नाम मुख्य है। हर्बर्ट स्पेंसर यद्यपि व्यक्तिवादी चिंतक है, परंतु हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा कहा गया कि राज एक जीवधारी के समान है। अगर समान वर्ड लिखा होगा तो आपको स्पेंसर लगाना है, और समान वर्ड नहीं लिखा होगा तो आपको अरस्तु लगाना है। सावैविक सिद्धांत का श्रेष्ठ प्रतिपादक है, अगर आपको आएगा तो अरस्तु लगाना है। सावैविक सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया, तो आपको प्लेटो लगाना है। यहाँ पर यह बात अरस्तु के द्वारा बतलाया गया और राज की प्रकृति के सावैविक सिद्धांत की बात की गई। आप देखिए, दूसरा है अरस्तु के द्वारा इस बात को भी कहा गया कि आखिर राज का उद्देश्य क्या होता है, और राज के उद्देश्य के विषय पर अरस्तु का एक प्रसिद्ध कथन है कि राज सद जीवन के लिए अस्तित्व में आया है और अच्छे जीवन को बनाए रखने के लिए यह निरंतर जारी है। राज सद जीवन के लिए आया
और अच्छे जीवन को बनाए रखने के लिए निरंतर जारी है। आपके एग्ज़ाम में यह सवाल आएगा कि यह कथन किसका है। यह कथन है अरस्तु का। अरस्तु ने कहा कि राज का उद्देश्य है कि वह विधि का शासन स्थापित करे। इसने कहा कि आनुपातिक न्याय की स्थापना करे। इनके द्वारा कहा गया कि उत्तम नागरिक गुणों का विकास करे। यह भी कहा गया कि व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का उसके द्वारा विकास किया जाए। कहा गया कि राज व्यक्ति को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करे। राज व्यक्ति को नैतिकतापूर्ण और भौतिक आवश्यकता की पूर्ति करे। सभी के जीविका का संचालन करना भी राज का कार्य होगा। देखिए, यहाँ पर एक बात तय है कि आदर्शवादी विचारधारा के ही अनुरूप अरस्तु के द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि राज का कार्य होगा ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर देना जिसमें व्यक्ति अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का, चाहे आंतरिक व्यक्तित्व हो या बाह्य व्यक्तित्व हो, भौतिक आवश्यकता हो या नैतिक आवश्यकता हो, सद्गुणी जीवन को बनाने का प्रयास करना, कानून के शासन की स्थापना करना, इस बात का प्रयास करना कि धनवान और निर्धन के बीच में बहुत खाई न हो, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना जिससे लोग कानून का पालन स्वतः करने लगें, एक आदर्शपूर्ण समाज के निर्माण पर अरस्तु के द्वारा राज के उद्देश्य का निर्धारण के लिए उपयुक्त माना गया और इस बात पर बल दिया गया कि आदर्श राज का निर्माण करना ही राज का आदर्श समाज का निर्माण करना ही राज का आवश्यक उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए इसका प्रसिद्ध कथन है और हमारी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है कि राज सर जीवन के लिए अस्तित्व में आया है और अच्छे जीवन को बनाए रखने हेतु निरंतर वह जारी है। तो देखिए, हमारा यहाँ तक आज अरस्तु के संदर्भ में क्लास था। हम लोग अपने अगले क्लास में फिर आपसे आगे की बातें करते हैं। आप लगातार लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में बने रहें। आज तब तक के लिए जय हिंद।